हेलो गाइस, आप देख रहे हैं गॉसिप टाउन और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 के घर के अंदर सना मकबूल से हो गई है बहुत बड़ी बेवकूफी और ये बेवकूफी अब घर वालों पर पड़ गई है भारी, क्योंकि उन्होंने घर वालों का खाना जो है वो बिग बॉस को दिलवा दिया है। दरअसल मैं आपको बता चुकी हूँ कि सना मकबूल बनी थी अब बिग बॉस के घर की नई बाहर वाली, उन्हें मिल गई थी पावर, पर उन्होंने बातों बातों में आकर गलती से ये बात ना विशाल को बता दी और बिग बॉस को आ जाता है गुस्सा। और अब इस वजह से जो बिग बॉस है वो बना बनाया खाना वापस ले लेते हैं, गैस की सप्लाई बंद कर देते हैं, यानी कि एक बार फिर से घर वालों को खाने के बिना रहना होगा। कैसे रहेंगे घर वाले ये देखना दिलचस्प होगा। इसी बीच रणवीर शौरी को सना मकबूल की इस हरकत पर आ गया है गुस्सा, जिसकी वजह से रणवीर शौरी सना की लगा रहे होते हैं क्लास, उसे बोल रहे होते हैं काफी कुछ। ऐसे में विशाल आ जाते हैं मौके पर और वो कहीं ना कहीं सना मकबूल को डिफेंड करने लग जाते हैं और ये चीज जो है रणवीर को अच्छी नहीं लगती। रणवीर का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है और वो सना के साथ साथ विशाल को भी आड़े हाथों लेते हैं, विशाल को भी भला बुरा कहते हैं। खास बात ये कि रणवीर ने इस लड़ाई के दौरान विशाल पांडे को कहा है सना का आशिक, और ये बात सुनकर घर वाले जितने भी वहां पर मौजूद होते हैं वो शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी बात गुस्से में आकर रणवीर शौरी ने विशाल पांडे को लेकर कह दी है और अब घर में मचेगा बहुत बड़ा बवाल। वैसे भी सना मकबूल और रणवीर शौरी की कई बार घर के अंदर गंदी लड़ाई हो चुकी है, एक दूसरे को कई तीखे शब्द बोल चुके हैं, गटर छाप, सड़क छाप, इस तरह की जितना भी गंदगी थी ये दोनों फैला चुके हैं एक दूसरे को बोलकर, और अब रणवीर के गुस्से का शिकार हो गए हैं विशाल पांडे, क्योंकि रणवीर जो है वो गुस्से में आकर सना को डांट लगा रहे होते हैं और ये नहीं देखा जाता है विशाल से, वो सना को आ जाता है डिफेंड करने। क्या राय है आपका, क्या कहना है मुझे जरूर बताएं। और अब देखना दिलचस्प होगा कि रणवीर के इस अटैक का विशाल पांडे कैसे देंगे जवाब। इस वीडियो में इतना ही।